गैस आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहूंगा। गैस आजकल के माहौल और फ्यूचर प्लानिंग को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस टाइम पे टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है। पर इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस होती क्या है। टर्म इंश्योरेंस इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कवरेज टू द बेनिफिशियरी ऑफ द पॉलिसी इफ द लाइफ इंश्योर्ड डाइज ड्यूरिंग द एक्टिव टर्म ऑफ पॉलिसी। यानी कि अगर पॉलिसी की एक्टिव टर्म में बंदा जो है जो इंश्योर्ड है वो यहाँ पे पास आउट कर जाता है तो उसके बेनिफिशियरी को फुल फाइनेंशियल कवरेज मिल जाती है। देखो यार, टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पॉलिसी बाजार यहाँ पे प्रोवाइड कराता है 20 से ज्यादा इंश्योरर्स से यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज। अब इन 20 से ज्यादा इंश्योरेंस की आप पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हो और उसके बाद अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से चूज कर सकते हो। और हमें ये प्रोवाइड करते हैं लो प्रीमियम विद अ हाई इंश्योर्ड सम। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँ तो 1 करोड़ का प्लान सिर्फ 490 से शुरू है। या देखो, ऑनलाइन खरीदने से ना 5.5% का डिस्काउंट भी मिलता है। देखो, पॉलिसी बाजार हमें 24/7 का क्लेम असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब हमें इंश्योरर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे क्लेम के लिए। 89 ईयर्स तक का कवरेज, इवन की 59 क्रिटिकल इलनेस का कवरेज, राइडर्स ऑप्शन भी अवेलेबल है फॉर एक्स्ट्रा कवरेज लाइक एक्सीडेंटल कवर्स। हाँ भाई, यहाँ पे हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल अंडर इंश्योर्ड इन इंडिया, आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं मंथली एंड एनुअल प्रीमियम पैकेजेस के। सो गाइज, आई थिंक आपको अभी कंपेयर करना चाहिए। गाइज, वेबसाइट का यहाँ पे लिंक जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, policybazaar.com। वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो policybazaar.com, आपको ये वाली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी जहाँ पर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जान सकते हैं और भी तरह तरह की इंश्योरेंसेज हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 करोड़ लाइफ कवर एट 490 फॉर मंथ, काफ़ी किफ़ायती है। यहाँ पर आपको अपने नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर लिख के व्यू फ्री कोड्स को दबा देना है। इसके बाद छोटे से क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि आप स्मोक तो नहीं करते हो, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, एंड आपके सामने खुल जाएगी अलग अलग इंश्योरर की तरफ से यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज, जैसे कि ICICI, HDFC और यहाँ पे बजाज है, मतलब जितने कि यहाँ पे हमारे पास फेमस इंश्योरर्स हैं वो यहाँ पर लिस्टेड हैं। और आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से कोई भी पॉलिसी यहाँ पे चूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं पे मंथली और पे ईयरली के बीच में। सो टू सिक्योर योर फैमिली फ्यूचर, आप जल्दी से जाइए policybazaar.com पे, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कैसे अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो नीचे मैंने अपने फेसबुक के नए पेज का लिंक दिया है, वहां पे आप जरूर से जाना। मैं लाइव स्ट्रीम्स कर रहा हूँ डेली और वहां पर आपको और कॉन्टेंट भी देखने को मिल रहा है, प्लीज वहां पे ज्वाइन करिएगा। हे गाइस, मैं हूं, आप देख रहे हैं Xiaomi के एक लेटेस्ट एपिसोड। और यहाँ पे Xiaomi ने काफ़ी सारी वेट के बाद एक नया फोन लॉन्च किया है और ये है Mi 10i, जो कि चाइना में गया था Redmi Note 9 Pro 5G के नाम से, एंड यहाँ पर आया है Mi 10i 5G के नाम से। अब इसके 3 वेरिएंट्स यहाँ पे लॉन्च हुए हैं और जो अगर मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आप Xiaomi का ये फ़ोन लेने वाले हो तो मेरे हिसाब से जो 22,000 वाले वेरिएंट वो सबसे बढ़िया रहेगा, यानी कि 6GB 128GB वो सबसे बढ़िया है। 64GB थोड़ा सा कम रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक तो कैमरा बहुत बड़ा है, अगर आप 108 मेगापिक्सल में फोटोज खींचोगे तो बहुत जल्दी मेमोरी भर जाएगी, तो 128GB काफ़ी ठीक रहेगी। और 24,000 में मेरे हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा महंगा है, मेरे हिसाब से वो वेरिएंट आपको नहीं लेना चाहिए 8GB वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा 6GB और 8GB में, तो ये आप ख्याल रखो। चलिए भाई, आज हम बात करते हैं, आपने अनबॉक्सिंग्स देख ही ली हैं, बट यहाँ पे मी M51 और मोटो का कंपेरिजन देख लेते हैं। इन तीनों फ़ोन्स में आपको कौन सा बेटर रहेगा? यहाँ पर अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन चल रही है कि M51 ले क्योंकि इसमें एमोलेड वगैरह देखने को मिल जाता है, सैमसंग की भरोसा है यहाँ पे सैमसंग का, देन मोटरोला है जहाँ पे हमें स्टॉक एंड्रॉइड मिलती है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम कंपेयर करते हैं, फिर आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक फ़ोन को पिक कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछो कौन सा फ़ोन, तो यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर फ़ोन नहीं कह सकता कि बेस्ट है, सब अपनी अपनी जगह यहाँ पर बेस्ट निकल के आते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अभी डिज़ाइन के मामले में। डिज़ाइन में ऑफ कोर्स आपको मी का फ़ोन सबसे बढ़िया लगेगा, क्योंकि MIUI ने यहाँ पे ग्लास बैग दिया है और बाकी दोनों फ़ोन्स आपको दे रहे हैं यहाँ पे प्लास्टिक बैग। सैमसंग M51 आपको पता ही है आपको कि मैंने यूज़ किया है, आपको रिव्यूज़ भी दिए हैं, उसकी इन हैंड फील काफ़ी अच्छी है, बट स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं ड्यू टू प्लास्टिक। वही चीज़ रहेगी मोटरोला के लिए भी, बट यहाँ पर जो हमारा MIUI है उसने दे दिया है हमें बढ़िया सा ग्लास बैग, जो भी हमें यार एक तो इन हैंड फील काफ़ी अच्छा देगा, ऊपर से उसके स्क्रैच
पैचेस थोड़ा जल्दी नहीं आते हैं ग्लास के ऊपर। दूसरी चीज़ है नॉन ग्लॉसी है यानी कि मैट फिनिश में है, तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट भी जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। और जो नया कलर भी लाया ना वो बड़ा प्यारा सा लग रहा है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा MI ने काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे लेकर डिज़ाइन को, तो मैं डिज़ाइन में उनको मार्क्स देना चाहूँगा। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं कहूँगा MI की मोटरोला से बढ़िया है डिस्प्ले, बट यहाँ पे कन्फ्लिक्ट रहेगा सैमसंग के साथ। देखो मोटरोला पहली बात तो 60Hz का डिस्प्ले दे रही है, कोई यहाँ पे आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता, फिर IPS LCD है, AMOLED नहीं दिया, ये बहुत गलत कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे बिंदी नॉच देखने को मिल जाती है, ठीक ठाक सी डिस्प्ले आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ MI की, तो हमें 120Hz की डिस्प्ले देखने को मिल रही है और यहाँ पे छोटी बिंदी भी है और HDR10+ देखने को मिल जाता है, बट खास बात कि गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ है, मोटरोला में वो नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया, मेरे को जहाँ तक लगता है वहाँ पे GG3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमें GG5 देखने को मिलता है। और साथ में ये बहुत प्यारी डिस्प्ले होने वाली है, बड़ी LCD डिस्प्ले, अगर आपको AMOLED डिस्प्ले चाहिए फिर आपको सैमसंग प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा 60Hz है, बट सैमसंग की AMOLED डिस्प्ले बहुत ऑसम है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अब आपको चूज़ करना है आपको क्या चाहिए, आपको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए या फिर आपको AMOLED चाहिए, तो आपको दोनों में आपको मिल जाएगा, पर यहाँ रखना थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस भी रहेगा, 1000 ज़्यादा नहीं। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, देखो यार मोटो और शॉमी एक जैसे परफॉर्म करने वाले, दोनों में स्नैपड्रैगन 750G देखने को मिल जाता है और दोनों ही गेमिंग में काफ़ी कैपेबल हैं, और गेमिंग में अगर आप COD वगैरह खेल रहे हो तो 90Hz देखने को मिल जाए आपको, मतलब 60FPS देखने को मिल जाएगा, और इन्होंने बोला है कि गेमिंग में 60Hz 90Hz और 120Hz में शिफ्ट करता रहेगा, तो इसमें भी डायनेमिक डिस्प्ले जैसे कि पोको X3 में था, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो पर सैमसंग में ना 730G है, तो थोड़ा सा प्रोसेसर इसमें वीक देखने को मिलेगा सैमसंग के अंदर, पर यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ, जनरल यूजेज तीनों ही फोन्स कमाल करेंगे, आपको थोड़ा सा ऐप्स ओपनिंग जो है वो थोड़ा MI और मोटो में थोड़ा सा तेज़ मिलेगी, और यहाँ पे सैमसंग की यहाँ पे ना सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा है, वो मैं आपको बाद में बात करता हूँ, बट हाँ स्नैपड्रैगन 750G है दोनों फोन्स में, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में वो होंगे, गेमिंग तीनों ही अच्छा करते हैं, बट MI और मोटो थोड़ा सा बेटर देंगे, एंड मेरे को लगता है MI थोड़ा सा आगे, क्योंकि इसमें तो लिक्विड कूलिंग भी देखने को मिल रही है, कुछ इन्होंने बताया था कूलिंग सिस्टम दिया है, और साथ में थोड़े टेम्परेचर सेंसर्स भी हैं जिसके कारण यहाँ पे जो हीटिंग है वो थोड़ी सी रहेगी कंट्रोल के अंदर। बाकी यार MI और आपको मोटो जो है ना वो हाइब्रिड सिम स्लॉट दे रहे हैं और सैमसंग आपको डेडिकेटेड स्लॉट दे रहा है, ये चीज़ भी थोड़ा सा माइंड में रखना। कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं, कैमराज आपको यहाँ पे ना सैमसंग और MI के बहुत अच्छे मिलते हैं। सैमसंग M51 तो मैंने चलाया है, ये तो मेरे को पता कैमराज बहुत ज़बरदस्त है, अभी तक 25,000 में मेरे को इससे अच्छा कोई लगता नहीं था, 64 MP 12 MP वाइड और 5 और 5 के दो दो वो जो वेस्ट वाले कैमराज उनको तो साइड पर रखो। MI दे रहा है 108 MP HM2 सेंसर है यहाँ पे, और ये एक और भी बढ़िया यहाँ पे कैमरा सिस्टम लगाया है इन्होंने, 8 MP वाइड है, बाकी वो दो दो के ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन रहेगा, देखते हैं कि MI ने कितनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन दी है, वो तो चलाएंगे जब तब देखेंगे, बट अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि MI ने काफ़ी बढ़िया काम किया होगा। बाकी मोटो का 48 MP ट्रिपल कैमरा है और ये बिल्कुल भी इतना कुछ खास नहीं है, मतलब डिसेंट सी फोटोज आ जाती है, मतलब काम से लगा कैमराज इतने अच्छे नहीं है, तो कैमराज के मामले में अगर आप सोचो तो सैमसंग और शॉमी यहाँ पे बढ़िया निकल कर आएंगे, बट इनको हम पहले कंपेयर करेंगे फिर देखेंगे कौन सा बेस्ट निकल कर आया था। मेन आती है सॉफ्टवेयर की बारी, देखो यार मोटो का सॉफ्टवेयर कमाल है क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड आता है ठीक है, तो जिनको कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, बिल्कुल स्टॉक चाहिए वनीला एंड्रॉयड, उनके लिए बहुत अच्छा है मोटरोला, सॉफ्टवेयर बढ़िया रहेगा और मेरे हिसाब से अपडेट्स भी इसमें मिल जानी चाहिए। हाँ भाई कस्टमाइजेशन भी चाहिए और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चाहिए, यहाँ पर आपको One UI देखने को मिलती है, ये मेरी फेवरेट है, स्टॉक से भी ऊपर मानता हूँ मैं इसको, और One UI स्टेबल है, बढ़िया है एकदम, और इसमें कस्टमाइजेशन भी हैं और सैमसंग की UI मेरे को बेस्ट लगती है। देन यहाँ पर आपको मिलती है MIUI, अब MIUI एक ऐसी स्किन है जो कि काफ़ी देर से इवॉल्व तो हो रही है पर वो अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, इसमें बग्स आते हैं, इसमें एड्स आती हैं भर के, तो काफ़ी कुछ है MIUI के अंदर, कुछ लोगों को MIUI बहुत पसंद है, मैं नहीं कह रहा बुरी है, मैंने भी चलाया पोको के फ़ोन चलाता हूँ शाओमी के, तो उसमें MIUI यूजेबल है, बट यार बग्स बहुत आते हैं, इनसे इतनी स्टेबल स्किन नहीं बनी आज तक, तो यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर के मामले में मोटो और सैमसंग को आगे रखता हूँ, सैमसंग नंबर 1, दूसरा मोटो और तीसरा ये शाओमी। देन फिर बात करते हैं स्पीकर्स मिल रहे हैं MI के अंदर स्टीरियो वाले, बाकियों में सिंगल है, ये स्टीरियो स्पीकर दे रहा है और ये कमाल की चीज़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर पे गाने सुनते हो या वीडियोस देखते हो फिर MI आपको पसंद आएगा। बैटरी के मामले में सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन देता है सैमसंग, 7000mAh की बैटरी बहुत ज़्यादा देर चलती है, AMOLED है जिसकी वजह से और ज़्यादा चलती है, 25W का चार्जर है जो कि ये अपनी देते हैं फ्लैगशिप सीरीज में जो कि अच्छा चलता है। फिर यहाँ पे मोटरोला देता है अच्छा कॉम्बिनेशन, वो है 5000+ 20W का,
ये एक डिसेंट कॉम्बिनेशन, बट इससे थोड़ा सा बेटर कॉम्बिनेशन है MI का 48 20 mAh + 33 W, पर ये ऑन पेपर है। जब आप प्रैक्टिकली देखोगे ना तो मोटरोला आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बैटरी कंजम्पशन वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी, वो उसकी बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलेगा। इसमें 120 Hz MI में तो आपका बैटरी कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होने वाला है और बैटरी बैकअप कम होगा, बट 33 W का चार्जर देखने को मिल जाता है। चार्जिंग तेज़ हो जाएगी 33 W से, बट बैटरी बैकअप में सबसे कम ये रहेगा, उसके बाद मोटो, उसके बाद सैमसंग सबसे बेस्ट रहेगा। बट चार्जिंग स्पीड सबसे ज़्यादा आई थिंक पोको की होने वाली है। बाकी वही है, MIUI के जो अंदर एड्स आती हैं वो बहुत दिक्कत वाली है। आपको अभी रिसेंटली अभी न्यूज़ आई थी MIUI 3 ब्रेक हो गया है लोगों का जो अपडेट कर रहे हैं। तो यार Xiaomi का ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा माइंड में रख के चलना कि जो ये सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं है। हार्डवेयर के मामले में सबसे बेस्ट चीज़ दे रहे हैं, बट उसके बाद सॉफ्टवेयर के मामले में और हार्डवेयर अगर मैं मिक्सचर देखूँ तो सैमसंग। अब एक सबसे बड़े पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है 4G और 5G। अगर आप देख रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, फिर आप सैमसंग को यहाँ पे देख सकते हो, एमोलेड चाहिए और ज़्यादा देर नहीं चलाना, फिर आप सैमसंग को देख सकते हो। पर आपको 5G ही चाहिए, फिर ऑप्शन बचते हैं मोटरोला और MI, फिर एमोलेड का बचता नहीं है, फिर आप रियलमी का वेट कर सकते हो। बट अगर आपको एमोलेड से फर्क नहीं पड़ता, 120 Hz की LCD चलेगी, तो आप, मैं यहाँ पर कहूँगा MI जो है वो हार्डवेयर बहुत अच्छा दे रहा है, सॉफ्टवेयर साइड पर थोड़ा सा मोटरोला आ गया। बट यार कैमराज हो चाहे डिस्प्ले हो जो मर्जी हो, वो MI आ गया, तो यहाँ पे मोटरोला का पत्ता कट रहा है। थोड़ा ओवर प्राइस फ़ोन वो ज़्यादा है, 21,000 में मेरे हिसाब से ये वाला फ़ोन बेटर है फिर भी मोटरोला से। और देखा जाए तो उसमें सिर्फ 750G है, इसमें 750G एंड अदर थिंग्स है MI में। तो अब आपको चूज़ करना है आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैंने पूरी चीज़ें आपको बता दी हैं। बाकी यार देखते हैं ये फ़ोन कैसा निकल कर आता है, परसों को सेल है, कौन कौन ले रहा है मेरे को जोर से नीचे कमेंट करके बता देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ख्याल की स्माइल, लव यू, बाय बाय।